Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता, अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की चलती हुई सीरीज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर 20 मार्क्स में आपसे पूछा भी जाता है और आपको समझने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का जो बेस है वो यहीं से तैयार होता है और इसे अक्सर मैंने देखा है कि पढ़ाया भी नहीं जाता और छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि उसके जो मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने पढ़े हैं वो तो हमने पढ़े ही हैं, अक्सर पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन वो किस तरीके से बने हैं और किस तरीके से आए हैं, यानी कि उसका डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से हमें देखने को मिलता है और किस तरीके से वहां पर मीनिंग एंड डेफिनेशंस आए हैं, उसी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो अब आप हमें हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर कॉन्टेक्ट फॉर्म भर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां पर जाकर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए आज समझ लेते हैं मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था पिछली वीडियोस में हिस्ट्री एंड ओरिजिन के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन में वो आता है मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का। तो इसी के बारे में समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और किस तरीके से इसके मीनिंग और डेफिनेशंस इंटरनेशनल लॉ के देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रोशियस आए, ग्रोशियस को यहाँ फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ग्रोशियस को माना जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्यों माना जाता है, क्योंकि ग्रोशियस जब आए तो ग्रोशियस ने उस समय दो बुक लिखी है, एक 1609 में और एक 1625 में, जहां पर मेयर लिबेरम का उन्होंने मेयर लिबेरम के नाम से एक बुक लिखी जिसका मतलब था फ्रीडम ऑफ सी गोइंग, और दूसरी लिखी डी जूरे बेली एक्ट पैसिस जिसका मीनिंग था लॉ ऑफ पावर एंड पीस। ये जो डी जूरे बेली एक्ट पैसिस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक यहां पर साबित होती है इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में, और यहां से ही माना जाता है कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ग्रोशियस को यहां पर माना गया है। उसके बाद बात करेंगे कि जब भी ग्रोशियस आए और उन्होंने अपनी इन बुक्स में अपनी बातें कही इंटरनेशनल लॉ को लेकर, यानी कि लॉ ऑफ नेशन के नाम से उस समय बात करते थे इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ वहां पर टर्म नहीं आई थी, लॉ ऑफ नेशन, इसीलिए मैंने लिखा मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन की बात की गई है। इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी आगे बताऊंगा किस तरीके से रेज हुआ है। फिर यहां पर जब इन्होंने अपने बुक्स में बात बतलाई और इसके साथ साथ इनकी बात को जिन जिन लोगों का समर्थन मिला तो इनके साथ आए, और इनके जो समर्थक थे उन्हें बेसिकली बोल दिया गया ग्रोटियंस, यानी कि इनका एक स्कूल बन गया, जैसे जुरिस्प्रूडेंस में भी हम स्कूल पढ़ते हैं, तो यहां पर एक ग्रोटियंस स्कूल, यानी कि जो भी ग्रोशियस के व्यू से समर्थित लोग थे, जूरिस थे, उन्हें यहां पर डाल दिया गया और ग्रोटियंस के नाम से वो बहुत फेमस हुए। और ग्रोटियंस में देखेंगे तो आप यहाँ पर लेगनेमो, बेली, ब्रूनस, विटोरियल, अयाला, जेंटिल, स्वेटल और क्रिश्चियन वोल्फ, ये एक बड़े नाम थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ में ग्रोशियस की थ्योरी को बहुत तेजी से यहाँ पर स्प्रेड किया और उसे समझाने की कोशिश की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो जेंटिल्स, वेटल और क्रिश्चियन वोल्फ ने किया, जिनका नाम अक्सर माना जाता है कि इन्होंने ग्रोशियस की थ्योरी को आगे बढ़ाया और लॉ ऑफ नेशन को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ठीक, उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू ग्रोटियंस। अब अगर इनकी बात करें कि इनकी थ्योरी की बात करें तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रोटियंस इंटरनेशनल लॉ हैज ओरिजिनेटेड नॉट ओनली फ्रॉम नेचुरल लॉ बट कस्टम एंड ट्रीटीज आर आल्सो इट्स सोर्स, यानी कि इनका कहना था जितने भी ग्रोटियंस थे या ग्रोशियस थे, ग्रोशियस का कहना ये था कि जो इंटरनेशनल लॉ है यानी कि लॉ ऑफ नेशन है वो कहां से निकल कर आया है, वो बेसिकली एक नेचुरल लॉ का पार्ट है, और नेचुरल लॉ के साथ साथ वो कस्टम और ट्रीटीज से भी निकल कर आया है, यानी कि कस्टमरी रूल्स भी उसमें जुड़ जाते हैं, कस्टमरी रूल्स भी उसके एक सोर्सेस हो सकते हैं। तो इन्होंने दो चीजें कही कि नेचुरल लॉ और कस्टम और ट्रीटीज से निकलकर आया है लॉ ऑफ नेशंस। तो इस तरीके से यहां पर हमने ग्रोटियंस को देखा। उसके बाद ओपनहाइम आए और ओपनहाइम ने ग्रोटियंस के बारे में कहा भी है, द ग्रोटियंस स्टैंड मिडवे बिटवीन नेचुरलिस्ट एंड पॉजिटिविस्ट, कहते हैं कि जो ग्रोटियंस थे वो नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट के बीच की थ्योरी को बतलाते हैं, ओपनहाइम ने ऐसा कहा है। और ओपनहाइम की थ्योरी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था हिस्ट्री एंड ओरिजिन में कि वहां पर
जो ओपनहाइम थे उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, यानी कि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन क्रिश्चियन सिविलाइज्ड स्टेट्स के द्वारा ही लॉ ऑफ नेशंस को बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर वही ओपनहाइम कहते हैं कि ग्रोटियंस जो है वो नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट दोनों के बीच की बात कर रहे हैं इसके बारे में। उसके बाद आता है क्रिश्चियन स्टेट्स ज्वाइन द फैमिली ऑफ नेशन। अब देखिए, जब भी हम लॉ ऑफ नेशन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ नेशन से पहले एक वर्ड था फैमिली ऑफ नेशन, यानी कि इंटरनेशनल लॉ में माना जाता था कि सबसे पहले फैमिली ऑफ नेशन बना। इस फैमिली ऑफ नेशन इसी बात को सपोर्ट करता है जो ओपनहाइम कहते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, यानी कि जब जो क्रिश्चियन स्टेट्स थे वो आपस में मिलने लगे, आपस में बैठकर एक लॉज बनाने लगे, लॉ ऑफ नेशन बनाने लगे, तो उसे उन्होंने कहा फैमिली ऑफ नेशन, यानी कि क्रिश्चियन फैमिली एक साथ होकर काम करने लगी। इसीलिए यहाँ पर ओपनहाइम ने कहा भी है क्रिश्चियन स्टेट्स ज्वाइंट द फैमिली ऑफ नेशन ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज ऑफन कोल्ड यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ। अब यूरोपियन स्कॉलर्स आए और यूरोपियन स्कॉलर्स ने इसी टर्म को फैमिली ऑफ नेशन को यहाँ पर यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ, यूरोपियन लॉ ऑफ नेशन के नाम से डिफाइन किया, यानी कि कुछ यूरोपियन स्कॉलर का मानना यह है कि ये यूरोपियन लॉ ऑफ नेशन है ना कि फैमिली ऑफ नेशन। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम, ओपनहाइम फिर कहते हैं विद द रिसेप्शन ऑफ टर्की इनटू द फैमिली ऑफ नेशन, ये बताते हैं कि 1856 में इस फैमिली ऑफ नेशन में टर्की आकर जुड़ा, और जब वो टर्की आकर जुड़ा तब कहते हैं इंटरनेशनल लॉ सीज टू बी अ लॉ बिटवीन क्रिश्चियन स्टेट्स ओनली। तो टर्की के जुड़ने के बाद ये माना गया है कि ये जो फैमिली ऑफ नेशन है बेसिकली एक ग्रुप है क्रिश्चियन स्टेट्स का, ठीक है ना। और इसी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये टर्की जुड़ा था, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856 यहाँ पर की गई थी जिसमें आर्टिकल 7 आता है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, पढ़ भी लेंगे आप, और अगर कहेंगे तो कमेंट करके मुझे बतलाइएगा, मैं उसके बारे में भी बतलाऊंगा। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856 आर्टिकल 7 में बतलाया भी गया इस चीज के बारे में जो ओपनहाइम कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि यहां से शुरू हुई, देखिए पहले हमने यहाँ पर ग्रोशियस पढ़ा, फिर ग्रोटियंस बने, ग्रोटियंस के बाद यहाँ पर ओपनहाइम ने इसके बारे में बतलाया जहां पर क्रिश्चियंस आए, और क्रिश्चियंस का बतलाया कि लॉ ऑफ नेशन ना होकर वो फैमिली ऑफ नेशन था, यानी कि लॉ ऑफ नेशन से पहले उसे फैमिली ऑफ नेशन बोला जाता था, जहां पर टर्की जुड़ा था ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856 यहां पर की गई थी क्रिश्चियन स्टेट्स के बीच। अब बात करते हैं आगे, जहां पर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ नेशन से बढ़ता हुआ इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ। तो देखिए हमने देखा यहां पर कि किस तरीके से फैमिली ऑफ नेशन से चलता हुआ लॉ ऑफ नेशन आया, लॉ ऑफ नेशन से यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ आया, और यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ से यही टर्म कन्वर्ट होकर इंटरनेशनल लॉ में डेवलप हुई है, उसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की, तो सबसे पहले टर्म फर्स्टली कॉइंड इन 1780 बाय जेरेमी बेंथम, यानी कि जेरेमी बेंथम ने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था। अभी तक लॉ ऑफ नेशन की बात हम करते थे, लेकिन इन्होंने लॉ ऑफ नेशन को इंटरनेशनल लॉ के नाम से डिफाइन किया, और वहां पर इसे कहा विच डिनोट्स द बॉडी ऑफ रूल्स रेगुलेटिंग द रिलेशंस अमंग द स्टेट्स, यानी कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करते हुए उसकी डेफिनेशन देते हुए कहा कि एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो रेगुलेट करता है स्टेट के बीच के रिलेशंस को। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फैमिली ऑफ नेशन, फिर लॉ ऑफ नेशन, फिर यूरोपियन इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ बना। उसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856 हमने पढ़ी थी जिसमें फैमिली ऑफ नेशन की बात की गई थी, जहां पर क्रिश्चियन स्टेट आपस में जुड़कर एक साथ आए थे। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया, जहां पर हमने लॉ ऑफ नेशन देखा। लॉ ऑफ नेशन का मतलब जहां पर क्रिश्चियन स्टेट तो पहले से फैमिली ऑफ नेशन में थे ही, लेकिन फैमिली ऑफ नेशन के अंतर्गत अब नॉन क्रिश्चियन स्टेट भी मेंबर बनने लगे। तो वहां पर जब हमने देखा तो लॉ ऑफ नेशन आया, और लॉ ऑफ नेशन का जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ वो लीग ऑफ नेशन में कन्वर्ट हुआ, और लीग ऑफ नेशन फेल हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसी लीग ऑफ नेशन ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए यूएनओ के रूप में ये एग्जिस्ट कर गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की क्या क्या फेजेस थी, फैमिली ऑफ नेशन से लेके लीग ऑफ नेशन के बीच किस तरीके से ये डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस यहाँ पर आती हैं जिसके बारे में पढ़ते भी हैं, जैसे कांग्रेस ऑफ वियना 1815 यहाँ पर इसको लेकर एक
कन्वेंशन हुई, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस 1856 जिसके बारे में हमने बात भी की थी अभी, उसके बाद आता है जेनेवा कन्वेंशन 1864, देन जेनेवा कन्वेंशन 1864 आ गया, हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 1907, उसके बाद आता है लंदन डिक्लेरेशन 1919, और तब जाकर ये यहाँ पर पूरा का पूरा डेवलप हुआ। और उसके बाद लंदन डिक्लेरेशन के बाद 1919 में हमने पढ़ा लीग ऑफ नेशन, लॉ ऑफ नेशन को लीग ऑफ नेशन में कन्वर्ट किया गया। वहां पर जाकर हमने देखा कि पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहीं समराइज होना शुरू हुआ, और लीग ऑफ नेशन से फिर ये कन्वर्ट होता हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएनओ में कन्वर्ट हो गया, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी डिटेल में चर्चा की है, वो आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ ले। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।